नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा थाना गोवर्धन पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक टटलू ठग को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एसपी देहात त्रिगुण विशेन ने बताया कि राधा कुंड नीम गांव बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी फैजल पुत्र रसीद खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोवर्धन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। गांव दौलतपुर देवसेरस आदि के साइबर अपराधी भोले भाले लोगों से ऑनलाइन ठगी करके विभिन्न बैंकों में पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। उन्हीं लोगों के गिरोह का आरोपी फैजल सदस्य है। मथुरा से हमारे संवाददाता अजय ठाकुर की रिपोर्ट। गोवर्धन थाना पुलिस को सूचना मिली रही थी कि राधाकुंड बाईपास पर कुछ बदमाश सक्रिय हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा राधाकुंड बाईपास पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसने के द्वारा साइड रोड पर अपनी मोटरसाइकिल को उतारा गया था। मोटरसाइकिल स्लिप होकर के गिर गई। इसके बाद उसने अपने पास से तमंचा निकाल के पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई जिसमें एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। उसने अपना नाम फैजल बताया जो कि कस्बा गोवर्धन का रहने वाला है। पूछताछ पर उसने बताया कि वो टटलुओं का पैसा बैंक अकाउंट से निकाल करके उनको देता था। उसके पास से 13 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। 90,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।